प्रथम बंदगी सतगुरु साहेब को तो नमन करूं हर बार। एक चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजनहार। कहे संत संग राम हाथ में हीरो आयो और मूर्ख समझे नाय घाल को फेम बगायो। फेंकत फेंक दिया रे बाकी बच गयो जब ही आयो हीरा को पार घीरे रोयो माथा के रोयो माथा के कसम घना बगाया। कहे संत संग्राम हाथ में हीरा आया। संत मिलने को चाले तज माया अभिमान। एक जू जू पगया गा धरे कोटिया की सामान। संत हमारी आत्मा तो हम संतन की दे के रोम रोम में रम रहा साहेब जू बादल में। सतगुरु के दरबार में बताए दे मेरे सतगुरु जी दाता। पल करूं प्रणाम शीष सतगुरु को नवाम बिन सतगुरु विश्वास भेद अब कैसे पाऊं। Oh, wow.
अचरज देख्या हो सतगुरु विश्वास भेद कैसे पाऊं कि सतगुरु पर विश्वास नहीं है वो भेद कैसे पाएगा। विश्वास होगा तो ही भेद पाएगा, नहीं पाएगा। नहीं ना लाग गया विश्वास बड़ा करो।
पहल करू पहल करू प्रणाम शीश सतगुरु को नवाऊं बिन सतगुरु विश्वास भेद अब कैसे पाऊं। अरे वर्ण बखाणू पुरुष का तुम सुन लो चतर सुदान ऐसी महिमा पुरुष की है। सुन लीजिए बेकान महिमा गा पुरुष शिष्य के सतगुरु चतर सुजान शब्द का वर्ण बताओ। हर अर्ज करूं कर जोड़ सैन मोय अगम लिखाओ। कौन शब्द का मूल है कौन शब्द का देश। अरे चेला जेवर की बीनती गुरु जी ऐसा दे दियो मन देश मैं मगा। गुरु महाराज के है कहता मोजी दास सुनो तू चेला जेवरे। अरे ऐही भेद अपार भूल मत जाना शेव के भिन्न भिन्न करके मैं कहूं जे कोई पूछे मोई। अरे अनल पंथ की गमन नहीं वो देश दिखाने हूं तू मेरे साहिब एक अनल पंथ सी है आकाश में रहता कभी नीचे नहीं आता। अनंत पक्षी है आकाश में रहता है कभी नीचे नहीं आता। सुनिए साहब ध्यान लगा के सुनिए एक एक शब्द की कीमत है। सुन भाई बात है देखो सुनने की बात है। अनंत पक्षी एक ऐसा पक्षी है वो अदर रहता है वहीं इसमें क्या है नर और मादा। नर और मादा के कभी भी रत्ती की जीमी आती है ना तो सुरत में सुरत मिला देते हैं तो आशा से रह जाए। ऐसा पक्षी है वो दे नहीं मिलती नजर से नजर मिलती है और उसी के टाइम के अनुसार एक खूब चमकदार अंडा निकलता है तो वो अनल पंक्षी इतना ऊंचा है कि वो अंडा है ऊपर से गिरते गिरते पक जाता है गिरते गिरते फूट जाता है और गिरते गिरते उसमें से बच्चा निकल जाता है। बच्चा निकल के गिरते गिरते ही उसके चांस पांच टोटल आ जाते हैं धरती पर आने से पहले और वो इतना भयंकर जो पक्षी है ना इतना भयंकर रूप बना लेता है तो वो हाथी के भी वो अपना पंज मारता वो भी चिंगाड़ मारता है तो वो नीचे जमीन की तरफ आता है और जमीन के पास आता है फिर उसको शुद्धि आती है कि ये देश तो हमारा नहीं है तो फिर वो अपने देश में वापिस